नवरात्रि की पंचमी के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार सलकनपुर पहुंचकर मां विजयासन के दर्शन और आरती कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नवरात्रि के दौरान मां विजयासन धाम सलकनपुर पहुंचकर मां का पूजन पाठ करके आशीर्वाद लेते हैं। इसी कड़ी में पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय चौहान के साथ सलकनपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मां विजयासन की विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इससे पहले मुख्यमंत्री सपरिवार दोपहर बाद सलकनपुर स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां पर उनका भाजपा नेताओं ने स्वागत किया व आगवानी की। इसके बाद मुख्यमंत्री मां विजयासन धाम के लिए रवाना हुए। जनता जनार्दन जनसमुद्र उमड़ रहा है, मैं भी उनके चरणों में प्रार्थना करने आया हूँ। हर नवरात्रि में आके दर्शन करते हैं और प्रार्थनाओं से उनके चरणों में यही है कि उनके कारण माँ आपके कारण हम सबका अस्तित्व है। जनता सुखी हो, निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारा प्रदेश हमारा देश प्रगति करे, आगे बढ़े, इतनी सामर्थ्य और शक्ति देना कि दुष्टों का दलन करते रहें, सज्जनों के कष्ट दूर करते रहें। करने वाली वो है, हम लोग तो सब निमित्त हैं और न केवल विकास के काम बल्कि लोगों की जिंदगी भी बने। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के दिन है ये, चारों तरफ मैया की कृपा से ही मंदिरों का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। महाकाल महाराज का भव्य परिसर बना है, श्री महाकाल लोक उसका लोकार्पण करने यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। यहाँ मैया के चरणों में उन्हीं की कृपा से यहाँ भी काम होंगे। देवास में तुलजा भवानी चामुंडा मैया वहाँ भी काम हुए हैं, सब उन्हीं की कृपा से। अलग अलग स्थानों पर खूब सांस्कृतिक धार्मिक उत्थान के काम हो रहे हैं, बस एक ही प्रार्थना सबका कल्याण। विजयासन धाम से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।